हेलो ओरियन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व। ये तीनों टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आपने हमारी थ्योरी पार्ट नहीं देखा तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ये हमारी टॉपिक वाइज वीडियो का पार्ट है। तो इससे पहले भी हम बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा हरियाणा जीके टॉपिक वाइज वीडियो, जहां पर आपको हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हरियाणा एसएससी सेट की तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, हर एक वीडियो को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रीवियस वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, और हरियाणा जीके के हर एक टॉपिक आपको थ्योरी करवाई गई है तो प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला जो प्रश्न है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जाएगा, फिर वन्यजीव अभयारण्य से पूछा जाएगा, फिर संरक्षण रिजर्व से पूछा जाएगा। किस किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान हैं कितने, तो आपसे पूछा जाएगा भाई दो। कितने हैं? दो। फिर आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं हरियाणा में, तो आप बताएंगे आठ। कितने हैं? आठ। और फिर संरक्षण रिजर्व कितने हैं, ये भी कितने हैं? दो हैं। तो दो, आठ, दो, ये तो हो गई इनकी संख्या। अब इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर सलीम अली, उन्हीं ने इसकी स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम पड़ा था डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, और वो किसका पड़ा था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का। और ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस ज़िले में है? अभी मैंने बताया कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम जिले में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1971 में। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा कब मिला था? तो 1991, ये आप याद रखेंगे 1991। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 142.5 हेक्टेयर। ये सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। और ये किसके लिए प्रमुख है? तो साइबेरियन सारस के लिए ये प्रमुख है, यानी कि जाना जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा सुल्तानपुर, और जो दूसरा है हमारा वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। कहाँ पर है? ये यमुनानगर में। तो ये दोनों के दोनों हम पढ़ चुके हैं, दो राष्ट्रीय उद्यान आपके सुल्तानपुर और आपका दूसरा है कालेसर। नेक्स्ट है, किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? अभी मैंने बताया 1971 में ये बना था, और 1991 में इसको दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को जो हमारी सीरीज़ है हरियाणा जीके की वो कैसी लगती हैं। नेक्स्ट है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? अब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था भाई? 2003 में। कब मिला था? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को जो दर्जा मिला था 2003 में, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई? 4682.32 हेक्टेयर। क्लियर है? ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। तो दोनों राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा कौन सा है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है। कभी आप वन्यजीव अभयारण्य के चक्कर में अबूब शहर आपको ऑप्शन में मिले और वो आप लगा दे, क्वेश्चन ढंग से ना पढ़े। तो राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो वो क्या है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भाई? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, 4682.32 हेक्टेयर, और कहाँ पर है? यमुनानगर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब है वन्यजीव अभयारण्य से हैं जो हम पढ़े हैं हमने, संख्या इनकी आठ है, जो आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनकी संख्या कितनी है? आठ है। अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्न
पढ़ते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता है, मतलब कौन कौन से आपके जीव हैं भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो हम बात करें तो भूरे अंश भी हैं आपके, लाल बुलबुल भी है और किंग फिशर भी हैं, ये तीनों आपके पाए जाते हैं। लाल जंगली मुर्गा आपका भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है कहाँ पर, तो ये है झज्जर में। कहाँ पर है ये, झज्जर में है, ठीक है। दूसरा एक और है हमारा झज्जर में, वो है खप्परवास या खप्पड़वास भी। इससे रिलेटेड आपका एक और प्रश्न पूछा जाता है, जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लगाएंगे भिंडावास, क्लियर है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 आप याद रखेंगे 1986। ये सारे के सारे टॉपिक मैं थ्योरी पार्ट में करवा चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है, झज्जर में। अभी अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। अब यहाँ पर बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य की सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा भाई कौन सा है, तो सबसे छोटा है छिलछिला। कौन सा है, छिलछिला, और ये है कहाँ पर, तो ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 29 हेक्टेयर, क्लियर है। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद जो अन्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये आपका रेवाड़ी में है, और इसकी स्थापना 1987 में। विद ट्रिक मैं आपको थ्योरी पार्ट में करवा चुका हूँ, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा। अबूब शहर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, सिरसा में है, 11,530 हेक्टेयर है, ठीक है, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, खप्पड़वास और भिंडावास ये दोनों के दोनों झज्जर में हैं, तो खप्पड़वास की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 में, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप मुझे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। तो हरियाणा एसएससी सेट की बेहतर तैयारी आपको करवाई जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाले दिनों में आपको बहुत ही मैराथन क्लास यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस ज़िले में है, तो मैंने अभी बताया था सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, और भाई कहाँ पर है ये, कुरुक्षेत्रा में है। कहाँ पर है ये, कुरुक्षेत्रा में है। नेक्स्ट है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस ज़िले में है, नाहर में, रेवाड़ी से मैंने याद करवाया है, तो रेवाड़ी में है नाहर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, क्लियर है। और इसको संवेदनशील कब घोषित किया गया था नाहर को, तो 2009 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा सियार, लोमड़ी और काला हिरन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सियार, लोमड़ी और काला हिरन, तो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे जो यहाँ पर पाए जाते हैं, काला हिरन। नेक्स्ट है, बीर सिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य डैश में स्थित है, तो बीर सिकारगढ़ कहाँ पर है, तो ये है हमारा पंचकुला में। कहाँ पर है बीर सिकारगढ़, ये है पंचकुला में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जाता है क्या पाए जाते हैं बीर सिकारगढ़ में, सांभर, दूसरे नंबर पर यहाँ पर पाए जाते हैं चीतल, और फिर नील गाय, ये तीन चीज़ यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अभी अभी मैंने बताया कि नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी में। कहाँ पर है, रेवाड़ी में, 1987 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके अलावा इसको संवेदनशील घोषित कब किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, वो मैंने बताया आपको 2009 में। नेक्स्ट है, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई, तो अबूब शहर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे छोटा हमारा जो है छिलछिला है। इसकी जो क्षेत्रफल है 11,530.5 हेक्टेयर है। स्थापना इसकी कब हुई है ये आपसे पूछा गया है, तो 1987 में।
यदि आपने ये वीडियोस कर ली तो वन्यजीव अभ्यारण्य से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अबूब शहर। कौन सा है? अबूब शहर। नेक्स्ट है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य की यहाँ पर स्थापना पूछी गई है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1996, ठीक है, 1986 कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2000 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दोनों में से क्या है। देखिए भाई, 1986 में इसका जो क्षेत्रफल था पहले था वो 5435.7 हेक्टेयर, फिर 2000 में इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया लगभग 90 हेक्टेयर, जो कि बढ़ाकर हो गया 5525.8 के करीब, ठीक है। तो यानी कि 2000 में इसमें एक्स्ट्रा क्षेत्रफल जोड़ा गया था, क्लियर है। और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं भाई? भौंकने वाले हिरण आप याद रखेंगे कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में। अगला है, हरियाणा का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में वीर सिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के समीप अवस्थित है? तो वीर सिकारगढ़ हमने पढ़ा कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसके समीप और कौन सा जो है वन्यजीव अभयारण्य जो पाया जाता है पंचकुला में, वो कौन सा? खोल ही रेतान। खोल ही रेतान भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1996, सेम वही याद रखेंगे 96, फिर 2000 में कुछ जोड़ा गया, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी भाई 2007 में, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। और ये है कहाँ पर? ये है केथल में। कहाँ पर है ये? केथल में। एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सोनसर, ठीक है, सोनसर जंगल भी हम इसको कहते हैं, सोनसर जंगल, या फिर सियोनसर भी आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केथल जिले में अवस्थित है। अगला है, बीरवारा वन्यजीव अभयारण्य। तो बीरवारा जो वन्यजीव अभयारण्य है और जो आपका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है, ये संरक्षण रिजर्व है दो हमारे। तो बीर पीर जींद से याद करवाया है मैंने आपको थ्योरी में, तो बीरवारा कहाँ पर? आपका जींद में है। इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी और ये कहाँ पर है? जींद में है। क्लियर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि नए हैं तो। धन्यवाद।